मेरा नाम दीपक झा है और मैं गुवाहाटी असम से आया हूँ। करंटली मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे राइट आई का है -7.5 और मेरे लेफ्ट का है -9.5। मुझे चश्मा थर्ड स्टैंडर्ड से लगा हुआ है, अबाउट 16-17 ईयर्स से। उस टाइम पे ज़्यादा पावर नहीं था, बट धीरे धीरे बढ़ता गया और अभी का पावर कुछ ज़्यादा हो गया था। और ये चश्मा हटाने का रीज़न भी यही था कि मैं चश्मा पे कुछ ज़्यादा ही ओवर डिपेंडेंट था। मतलब 24 आवर चश्मा पहनना पड़ता था, भले ही नहाने जाओ, बाथरूम जाओ, हर एक में चश्मा की ज़रूरत थी। तो इसलिए लगा कि चश्मा अगर हट सके तो ज़्यादा अच्छा है। i7 के बारे में मुझे यूट्यूब से पता चला मेनली, तो फिर बाकी जगह से भी रिसर्च वगैरह किया, फिर कुछ रिलेटिव से भी पूछा जो दिल्ली में रह रहे हैं, तो सभी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया इसके लिए। मैं 2-3 हॉस्पिटल्स और कंसिडर कर रहा था, दिल्ली में ही एक और एक साउथ इंडिया में भी, बट फाइनली डिसाइड किया कि i7 ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम i7 में आया अपना इनिशियल टेस्टिंग वगैरह कराने के लिए, क्योंकि लेजी का मैं सोच रहा था कराने का, तो उस टाइम भी मुझे दिखा कि सब कुछ काफ़ी सिस्टमेटिक है। और फिर उन्होंने बताया कि मेरा पावर के हिसाब से लेजी होगा नहीं, ICL बेटर ऑप्शन है, सो मैंने ICL ऑप्ट किया। थोड़ा देर वेट करना पड़ा, उसके बाद कुछ आई ड्रॉप दिए, अभी सर्जरी के लिए रेडी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम लास्ट मंथ आया था लेजी वगैरह के लिए दिखाने के लिए, तो उस टाइम में उन्होंने प्री सर्जरी टेस्ट जो भी होते हैं वो सारे कराए थे, और तभी उन्होंने बताया था कि लेजिक नहीं कराना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा पावर थोड़ा हायर है, तो ICL बेटर ऑप्शन होगा। सर्जरी पर आई max 3-4 मिनट्स का था। ओवरऑल सर्जरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड मुझे तो कम्प्लीटली पेनलेस लगा, कोई पेन नहीं लगा इस सर्जरी में। 7-2-4-2-7-4 2-3-7-0 4-5-2-7-3-0 7-2-3-4-0-5-7 विजन 6x6 पूरा पढ़ने में आ रहा है आपको। एक बार नज़दीक का भी चेक कर लेते हैं, पकड़ेंगे जी। ये नीचे वाला लाइन पढ़ने में आ रहा है जी, पढ़ेंगे। हैप्पीनेस टू टू फैमिलीज, सो व्हाई नॉट डिसाइड नाउ अबाउट डोनेटिंग। इससे भी आ रहा है, हाँ, डोनेटिंग आवर आईज आफ्टर डेथ इफ यू इंटेंड टू। हाँ ठीक, नज़दीक का भी विजन सही है। और आज 24 आवर्स अभी जैसे हो गए हैं सर्जरी को, और अभी आई विजन टेस्ट हुआ तो 6x6 निकला है। मतलब मुझे भी 96-97% उस क्लैरिटी के साथ अभी दिख रहा है जिससे मैं चश्मे के साथ देख रहा था विद इन 24 आवर्स। दिस इज परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। गुड सर, कल हेलोस दिख रहे थे और आज हेलोस भी नहीं दिख रहे हैं। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस, काफी रिलीफ है। मुझे लग रहा था कि हेलोस कुछ और दिन रहेंगे, बट नहीं, हेलोस। गुड गुड, क्योंकि नॉर्मली हेलोस कुछ दिन रहते हैं जी सर, बट यस दैट्स वेरी नाइस कि तुम्हारे आज ही खत्म हो गए। बेसिकली एक हफ्ता तुम्हें प्रिकॉशन ले रही है जब तक थोड़ी सी बेसिक हीलिंग हो जाए। सो एक हफ्ते आईज को क्लीन रखना है जी, अपनी मेडिसिन यूज करनी है, काला चश्मा लगा के रखना है। अगर काला चश्मा लगाते थक जाओ तो काला चश्मा उतार सकते हो, बट तुम्हें यह ख्याल रखना है कि तुम्हारा हाथ आँख को टच ना करे जी। तो बेसिक काले चश्मे से हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि धूप की लाइट आ रही है या लाइट से डिस्टर्बेंस है, हमें सिर्फ ये है कि काला चश्मा एक फेस के ऊपर प्रोटेक्शन है, गंदगी ना जाए, कि गंदगी कुछ कम जाए और हाथ धूत ना लगे जी। तो तुम अलर्ट हो, साइड पे बैठे हो, हाथ नहीं लगाना, काला चश्मा उतार के बैठ जाओ जैसे अभी बैठे हुए जी, कोई परेशानी नहीं। सर रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, मैं जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली हेलोस के लिए। अभी अभी जैसे चेक किया तो उन्होंने बताया कि विजन अभी ठीक है। राइट, 6x6 है दोनों इसमें। और तुम्हारे ऑपरेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दर्द हुई? बिल्कुल नहीं सर, पता ही नहीं चला, पता भी नहीं लगा, ऐसे लगा कि 2 मिनट में हो गया। मैंने पूछा भी कि हो गया क्या, तो बताया कि हाँ हो गया। तो बेसिकली कोई इंजेक्शन नहीं लगा जी? नहीं, नेचुरली कोई स्टिचेस नहीं आते इसके अंदर जी, सिर्फ आई ड्रॉप्स डाल के सुन कर दिया जी, है ना। फिर एक आँख में 4-5 मिनट लगते हैं, एक आँख में 4-5 मिनट लगते हैं, बस दैट्स इट। काफी मतलब स्मूथ था, सीमलेस एक्सपीरियंस था। गुड 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 जी सर, ठीक है सर, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सर। और डॉक्टर्स ने बताया कि अभी और हील होना बचा है तो क्लैरिटी और थोड़ी इम्प्रूव होगी। तो आज से लगभग 1 महीने पहले जब मैं आया था पहली बार लेजिक कराने के लिए, तो उन्होंने ही बताया था कि आई का पावर थोड़ा हायर साइड में है, तो ICL जो है वो ज़्यादा सेफर ऑप्शन रहेगा। और उस टाइम भी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, काफ़ी डाउन टू अर्थ, हम्बल और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मुझे लगे।
जो सवाल पूछा उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहीं से सुना था कि ICL में चांसेस रहते हैं कि लाइट्स में हेलोस दिखते हैं, रिंग्स दिखते हैं, तो ये भी मैंने उनसे पूछा। जितने डाउट्स थे उन्होंने सारे पूछे, किसी का उन्होंने ऐसा जवाब नहीं दिया कि नहीं नहीं आपके साथ तो होगा नहीं या ऐसा कुछ। जो जेन्युइन आंसर मुझे लगा कि होना चाहिए उसी तरह का उन्होंने जवाब भी दिया। और हेलोस भी मुझे कल दिख रहे थे और आज मुझे नहीं दिख रहे हैं हेलोस, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। ऑपरेशन के टाइम में मुझे ज़्यादा नर्वसनेस नहीं था क्योंकि ऑपरेशन से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया था ICL के बारे में भी, बाकी सर्जरीज के बारे में भी, इस I7 के बारे में भी और डॉक्टर संजय चौधरी के बारे में भी। तो काफ़ी लोगों से मुझे यही बताया गया था कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, शायद नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ICL उन्होंने ही किया है। तो नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं था, कि एक्साइटमेंट था एक तरह का कि कितना जल्द से जल्द ख़त्म हो और मैं देखूँ कि कितना क्लियरली मुझे बिना चश्मों के दिख रहा है। और तो नर्वसनेस जैसा कुछ था नहीं, और सर्जरी के बाद अभी काफ़ी खुशी है कि बहुत अच्छा दिख रहा है विदाउट स्पेक्स।